Yeah. Mm -hmm. को मेरा नमस्कार। मैं अमृता पांडे आज आपके समक्ष प्रस्तावना एवं अतिथि परिचय हेतु उपस्थित हुई मैं संस्कृत भारती नगर मंडल एवं भाग मंडल की सदस्य आज नवरात्रि के पावन पर्व में श्री नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करती श्री नारायण हरि उपारण्य नाना पालकर जी ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके गुणों को शब्दों में बांधना कठिन महसूस होता है एक प्रखर वक्ता अभूतपूर्व लेखक प्रतिभाशाली कवि आदिशक्ति के उपासक एवं राष्ट्रभक्त श्री नाना पालकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रारंभिक काल में प्रचारक महाराष्ट्र के अनेक जिलों में उन्होंने युवा शक्ति को राष्ट्रभक्ति हेतु जागृत करने के लिए प्रवास किए राष्ट्रभक्त श्री नाना पालकर जी ने अनेक राष्ट्रभक्ति गीतों की रचना की जो कि न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा गाए जाते हैं बल्कि आकाशवाणी में भी इनका प्रसारण होता है एक अभूतपूर्व लेखक जिन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की उसमें से इज़राइल छड़ा कानून बड़ा करे ये पुस्तक देश विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय थी आदिशक्ति के उपासक श्री नानाजी पालकर ने महिलाओं को परिवार की एक महत्वपूर्ण इकाई माना उन्होंने कहा कि एक समग्र समाज की स्थापना के लिए महिलाओं का सक्षमीकरण अत्यंत आवश्यक है इस व्याख्यान माला के पीछे भी इसी विचारधारा की प्रेरणा है समाज के लिए सेवा भाव रखने वाले नानाजी पालकर ने सभी को समाज सेवा हेतु प्रेरित किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई सुराज्य सर्वांगीण विकास प्रकल्प पुणे में 50 से भी ज्यादा सेवा बस्तियों में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है शिक्षण आरोग्य स्वावलंबन एवं संस्कार आदि आयामों पर कार्य कर रहा है महिला सक्षमीकरण एवं सबलीकरण हेतु बचत गट का आयोजन करना महिलाओं को प्रशिक्षण कर उन्हें व्यवसायों में जोड़ना यह स्वराज्य सर्वांगीण विकास प्रकल्प का एक मुख्य आयाम है किशोरी विकास प्रकल्प द्वारा युवतियों एवं किशोरियों का भी प्रबोधन एवं समुपदेशन किया जाता है नवरात्रि के इस पावन पर्व में श्री नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में स्त्री शक्ति जागरण से संबंधित विषयों पर उद्बोधन हो रहे हैं महिला आत्मसम्मान की चुनौतियाँ इस विषय पर उद्बोधन करने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती सुनीला सोवनी श्रीमती सुनीला सोवनी जी का मैं नाना पालकर स्मृति समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ श्रीमती सोवनी बाल्यकाल से ही राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई हैं प्रांत घोष प्रमुख क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख एवं अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख ऐसे कई विद्यमान दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया पिछले 22 वर्षों से संवाद में मुख्य संपादक उन्नीस से 2014 तक के चुनावों में राज्य निहाय वार्ता पत्र अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए अनेक विशेषांकों का संपादन किया एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लिए अनेक लेख लिखे, अनेक पुस्तकों का निर्माण किया जिसमें शहरी ख्रिस्तीकरण राजमाता जीजाबाई लव जेहाद ऐसी सात पुस्तकें शामिल मेधावी छात्रा रही श्रीमती सोवनी जी को अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया बी में उन्होंने विद्यापीठ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया अखिल भारतीय नारद पुरस्कार कुमुदिनी कुलकर्णी पुरस्कार एवं संत दासगणु पुरस्कार से अलंकृत किया गया आइए हम सभी सहर्ष स्वागत करते हैं श्रीमती सोवनी जी का नमस्कार नवरात्रि की मनपूर्वक शुभकामनाएं आज पूरा भारतवर्ष शक्ति देवता की आराधना में अपना समय बिता रहा है उसका उत्सव मना रहा है अनेक पद्धति से वो अर्चना कर रहा है और केवल देवता स्वरूप में नहीं तो देवता यानी मूर्ति की आराधना कर रहा है विश्व रूपिणी की आराधना कर रहा है मिट्टी की आराधना कर रहा है नदी की आराधना कर रहा है कन्या पूजन भी कर रहा है अनेक पद्धति से वो भारतीय समाज स्त्री और पुरुष दोनों व्रतस्त होकर नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं शक्ति की इस प्रकार की आराधना करना ये भारतीयों की परंपरा रही है जो आज 21वीं शताब्दी में भी अनेक पद्धति से विद्यमान है संपूर्ण भारत में पूजा अर्चना चल रही है यह अपने आप में एक अनोखा ऐसा ये अनुभव पूरा विश्व भी कर सकता है हम सब जिस पद्धति से आराधना करते हैं वो वास्तविक रूप में देखे तो एक स्त्री तत्व है स्त्री तत्व को यानी कि जो निर्माण कार्य जिसके हाथ में है ऐसे तत्व की इस प्रकार से आराधना करना ये विश्व भर में केवल भारतीय समूह का भारतीयों का अपना वैशिष्ट है अपने आप में अभिमान का विषय है कि यहाँ शक्ति का पूजन होता है नारी तत्व का पूजन होता है आराधना चलती है और उसके सामने केवल स्त्रियां नहीं तो पुरुष भी नतमस्तक होते हैं। बाकी पूर्ण दुनिया में इस प्रकार के मूर्ति रूपिणी हो या जहां जहां निर्माण है उसके प्रति इतना आदर भाव देना उसका सम्मान करना ऐसी परंपरा है ही नहीं बहुत प्राचीन काल तक हम गए तो विश्व भर में स्त्री तत्व की पूजा विभिन्न रूप में की जाती थी ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं लेकिन जैसे ही मूर्ति पूजा विरोधी धर्म जगत में फैलाए गए फैलाते तो उसके बाद स्त्री देवता की आराधना करना लगभग बंद ही हुई इतना ही नहीं तो उसका छिन्न भिन्न कर दिया गया उच्चाटन कर दिया गया और स्त्री देवता को नष्ट करने के बाद केवल पुरुष के रूप में देवता का अर्चन करना ये स्थिति पूर्ण विश्व में तैयार हो गई मूल पुरुष जिनका अब्राहम है वहां से उत्पन्न ये जो धारा है वहां स्त्री देवता का कोई महत्व नहीं है कोई स्थान नहीं है कोई सम्मान नहीं है केवल भारत में स्त्री देवता को स्त्री तत्व को इतना सम्मान दिया जाता है वैसे तो किसी भी निर्माण कार्य के लिए पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता होती है लेकिन भारत उस कारण को इस कार्य को केवल मातृ रूप में दर्शन करता है उसको जगत जननी कहता है स्त्री को जगत का निर्माण जिसके कारण हो रहा है जगत जिसके कारण चल रहा है और आगे चलकर विनाशक भी वो कर सकती है दुर्गा बनकर कर यह विश्वास जहाँ जगाया जा रहा है ऐसा ये अपना देश है और प्रत्येक जगह पे केवल महाराष्ट्र में गुजरात में या मध्य प्रदेश में ऐसा होता है ऐसा नहीं तो संपूर्ण भारतवर्ष उत्सव मना रहा है यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है परंतु दूसरी भी बात है कि एक तरह एक जगह हम उसका पूजा अर्चन कर रहे हैं नवविधा भक्ति में हमने अपने आप को व्रतस्थ रखा है अर्चना तो हम कर रहे हैं लेकिन दूसरी जगह आज नवरात्रि के पर्व में जहां नारी शक्ति या नारी तत्व का जागरण कर रहे हैं हमें शक्ति दो माता ऐसा कह रहे हैं ऐसे परिस्थिति में आज जो मेरे सामने विषय है वो है भारतीय महिलाओं के सम्मान की चुनौतियां। ये अपने आप चुनौतिया विडंबना युक्त ऐसा यह विषय है यह नारी तत्व का पूजन हो रहा है मूर्तिबद्ध तत्व का पूजन हो रहा है उसके सामने सबके सब लोग झुक रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष नारी जो आज जहां जहां विद्यमान दिखती है उसकी अवस्था तो नहीं है हम कह तो रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु स्थावरानी चराचर नमस्तस्य 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 नमो नमः अथवा या देवी बुद्धि रूपेण संस्थिता या देवी ज्ञान रूपेण संस्थिता या देवी मातृ रूपेण संस्थिता इत्यादि सभी प्रकार के विशेषण उसके साथ जोड़ते हुए हम नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ऐसा कह रहे विद्या रूपेण संस्थिता कह रहे हैं कि मातृत्व के बिना कुछ भी संभव नहीं है शक्ति के सहयोग के बिना जीवन असंभव है ऐसा हम कह तो रहे हैं लेकिन उसी समय हथरस जैसी दुर्घटना को हम अनदेखा नहीं कर सकते एक तरह हम कह रहे हैं अलग और जीवन जीने का तरीका उसके विसंगत पद्धति से हम जी रहे हैं ऐसा अनुभव में आता है और इसलिए नवरात्रि का पर्व यानी शक्ति पूजन का पर्व चल रहा है उत्सव का पर्व चल रहा है और उसी के बीच में महिला सम्मान के सामने की चुनौतियां यह विषय रखने की आवश्यकता दुर्भाग्य से आकर खड़ी है हतरस जैसी दुर्घटना होती है तो उस पर रेप हुआ कि नहीं हुआ वो राजद नैतिक दृष्टि से दलदल दलदल विषय फंस गया है सत्य कब आएगा आएगा कि नहीं आएगा ये सब अलग विषय है परंतु उस लड़की की हत्या तो हुई है यह सत्य बात है और उसके पीछे का कोई सम्माननीय कारण तो नहीं दिख रहा है वैसे हत्या कभी सम्माननीय होती ही नहीं है फिर भी हत्या हुई है और यह महिला सुरक्षा यह विषय जहाँ दुर्गा रूपी देवी का आराधन चलता है उसी देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक अहम मुद्दा मुद्दा बनकर खड़ा है मैं कुछ अंकताल देख रही थी हथरस के कारण कि कैसी स्थिति है तो कोरोना कालावधि के बाद घर घर के अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है ऐसे प्रत्येक राज्य का सर्वे बता रहा है और उसके अभी विश्लेषण पूर्ण तो नहीं हुआ है लेकिन अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है ये तो स्पष्ट है इसलिए थोड़ा सा पीछे जाने का प्रयास किया तब जो ध्यान में आ रहा है तो उसमें जो महिला अत्याचार का विषय जिसके पास जाता है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नामक जो संस्था है तो ना उसके रिकॉर्ड से पता चलता है गत तीन सालों का भी केवल अध्ययन किया तो तो प्रत्येक वर्ष में महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी ही दिखाई दे रही है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है यह अत्यंत चिंताजनक विषय है जैसे अब इस समय हथरस की बात सबके सामने आई है तो कुछ वर्ष पहले एक निर्भया कांड हुआ था जिसकी चर्चा मीडिया में बहुत हुई समाज में बहुत हुई बीच में कैसे किस किस प्रकार से महिला की सुरक्षा करनी चाहिए ऐसे विषय भी बढ़े लेकिन फिर भी अध्ययन के बाद ये ध्यान में आता है कि महिला अत्याचारों के प्रमाण में भी वृद्धि हो रही है केवल महाराष्ट्र का जब मैंने ध्यान देने का प्रयत्न किया क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूं तो सत्रह उन्नीस बीस सौ सत्रह की स्थिति ऐसी थी कि अत्याचार के जो घटना है जिसकी पुलिस में जाकर रिकॉर्ड हुआ है वो इकतीस हजार नौ सौ उन, उनासी ऐसी संख्या थी बीस सौ अठारह में वो बढ़कर पैतीस हजार चार सौ हो गई 2019 में वही संख्या सदतीस हजार वन एक सौ चवालीस हो गई यानी प्रतिवर्ष अगर हम देखें तो दो ढाई हजार की वृद्धि ही हुई है नीचे प्रमाण नहीं जा रहा है ये प्रत्येक राज्य में दिखाई देता है मैंने केवल महाराष्ट्र का उदाहरण दिया वैसी ही स्थिति केवल 2019 सौ उन्नीस में अः की यानी कि गत वर्ष की महिला पीड़ित जिनके ऊपर रेप हुआ है और जो दर जो घटना पुलिस तक जा पहुंची है ऐसे प्रमाण पूरे भारतवर्ष में अगर देखे तो 2305 इतने उग्र संख्या में जा पहुंचा है आदि घटना मीडिया के कारण हमारे सामने आती है लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण भयंकर है विकराल है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है तो महिला आह्वान की जब बात करते हैं चैलेंज की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा ये सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने है और भयंकर स्थिति ऐसी है कि जो घटनाएं पुलिस चौकी तक जाती है उतना ही हमें पता चलता है उसका आगे क्या होता है ये भी ठीक से मालूम नहीं होता और अनेक सारी घटनाएं हो सकता है कि पुलिस तक जाती ही नहीं हो उसकी फिरियाद होती ही नहीं हो साइबर गुन्हे जैसे या साइबर दुर्घटना जिसको हम बोलेंगे तो उसमें छोटे छोटे आयोग की बच्चियों को बहुत सारे आघात पहुंचे जाते हैं तो केवल मैंने पुणे महानगर जहां से मैं बात कर रही हूं तो वहां की घटनाओं का इस वर्ष का वर्ष की जो नोंद हुई है वो 150 इतनी संख्या में है तो यह कोई कम बात नहीं है बहुत ही भयंकर मात्रा में महिला सुरक्षा यह विषय एक अहम बिंदु एक अहम चैलेंज अपने सामने है और केवल सुरक्षा ही नहीं तो महिला शिक्षा ये भी ऐसा ही विषय बन गया है सर्व शिक्षा अभियान एक अच्छे मन से लेकर तो आए है गवर्नमेंट के द्वारा आया है उसके परिणाम भी दिख रहे हैं लेकिन इस वर्ष बीस में जो जनगणना हुई थी उसमें यह स्पष्ट हुआ कि महिला शिक्षा का प्रमाण 65 परसेंट तक था हो सकता है कि बीच के दस वर्ष में जो बाकी सर्वेक्षण चलते हैं उसके आधार पर सेवेंटी परसेंट तक वो प्रमाण बढ़ा है लेकिन सौ परसेंट तक वो जब तक नहीं जाता है तब तक वो हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज ऐसा ही हमने कहना या ठहरना वो है भी ये हमें स्वीकारना पड़ेगा महिला स्वास्थ्य ये विषय जैसा है वैसा ही बाकी ही महिलाओं महिला, महिला स्वास्थ्य ये विषय भी महिला शिक्षा जैसा ही अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है महिला अपने आप के तरफ ध्यान नहीं देती यह उसका सदगुण है परंतु परिवार बाकी भी उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं ये दुर्गुण है इसलिए दोनों के दृष्टि से स्वास्थ्य यह विषय महिला स्वास्थ्य यह विषय गंभीरता पूर्वक आगे चलाने की आवश्यकता है।, है, है उसमें भी रक्त का प्रमाण कम है मृत्यु दर ज्यादा है कौन से आयु में मृत्यु का प्रमाण है तो जब युवावस्था में वो प्रवेश करती है या बहुत जल्दी वो माता बनती है तो तो उस आयु का जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि वहां महिला या बच्ची जो है उसके मृत्यु का दर सबसे ज्यादा है अनेक बार प्रेगनेंसी जैसे विषय है या अन्य पीड़ित स्वास्थ्य के कारण या जहां कहीं वो काम करते हैं उसके कारण स्वास्थ्य पर होने वाला असर जैसा विषय है तो अपने आप में महिला स्वास्थ्य को आ, स्वस्थता पूर्ण पूर्वक जीवन महिलाओं को प्रदान करना वैसी व्यवस्था तैयार करना यह हमारे सामने का बड़ा चैलेंज है ऐसा मैं मानती हूं जैसे ये तीन प्रमुख विषय है स्वास्थ्य है शिक्षा है सुरक्षा है वैसा ही चौथा विषय आकर खड़ा होता है वो है स्वयं रोजगार या महिला रोजगार की स्थिति तो महिला रोजगार के बारे में देखें तो उसमें भी परिस्थिति ऐसी है कि संगठित क्षेत्र में कुल विचार करें तो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों का परसेंटेज ही बहुत कम है वो ज्यादा यानी कि दो अंक से बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं है और उसमें से अगर महिलाओं को गिने तो वो और भी घटता हुआ दिखता है असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का प्रमाण बहुत ज्यादा है परंतु वहां स्वास्थ्य और रोजनदारी मिलने वाला वेतन इसको लेकर अनेक सारी समस्याएं ही समस्याएं दिख रही है यानी कि स्त्री पुरुष विषमता प्रत्येक जगह पर है और काम के प्रमाण स्वास्थ्य का विषय वहां गंभीर है ग्रामीण विषय अलग प्रकार से है शहर ग्रामीण है तो शहरी विषय अलग या शहरी शोषण के बिंदु अलग ऐसी भी स्थिति है वनवासी क्षेत्र की अपनी एक पर खड़ी है जहां कहीं भी जाए वहां के वातावरण का परिणाम अगर सबसे ज्यादा को परिणाम अगर देखना है झेलना है तो स्त्री पुरुष तुलना में महिलाओं को ज्यादा झेलना पड़ता है यह प्रत्येक जगह पे दिखाई देता है बाल विवाह बंदी कायदा या कानूनों पर बहुत वर्ष गुजर गए परंतु बाल विवाह की समस्या घटी है ऐसा नहीं है गत चार पांच महीनों का रिकॉर्ड यह बता रहा है कि बाल विवाह की समस्या आज भी बरकरार है इतना ही नहीं तो किसी को भी नहीं बताकर एक चुपचाप पद्धति से विवाह कर देना बस मेरे सर की जिम्मेदारी दूसरे के सर पर छोड़ देना इस प्रकार की मनोवृत्ति में फर्क नहीं हुआ है उच्च शिक्षा देते समय स्त्री और पुरुष में भेदभाव करने की मानसिकता बदली नहीं है भ्रूण हत्या का प्रमाण संपूर्ण समाप्त तो हुआ है ऐसी स्थिति नहीं है और महिला ट्रैफिकिंग जैसे विषय है उसमें पूरे भारत, पूरे विश्व में भारत दूसरे क्रमांक पर है और उसमें भी अगर गत साल का रिकॉर्ड देखा तो पूर्वोत्तर भारत में केवल पूर्वोत्तर भारत की बात की तो पंद्रह हजार से भी ज्यादा ऐसी केसेस मिली है तो जो महिला व्यापार में फंसी हुई लड़कियां हैं, ये जो रिकॉर्ड में आपको बता रही हूँ या अंदाज व्यक्त कर रही हूँ वो अधिकृत है जो जहां तक पुलिस के पास गए या कहीं ना कहीं दर्ज हुए हैं, उतना ही मैं बता रही हूँ प्रत्यक्ष जो स्थिति है वह अतीब भयंकर है और प्रत्येक समस्या ये अपने आप में भीषण है और जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान जितना चर्चा में दिता, दिया जाता है उतना कृति में दिया नहीं जाता यह भी एक अनुभव जन्य ऐसा यह विषय है और इसलिए ऐसा लगता है कि एक जो विपरीत स्थिति जो देश में उत्पन्न हुई है एक तरह से एक जगह स्त्री का सम्मान करना और दूसरी जगह उसका प्रताड़न करना उसको अनेक पद्धति से नीचे ढकेलना या आगे लाते समय की मनोवृत्ति ही बड़ी विचित्र पद्धति से उस पर व्यवहार करना अत्याचार करना शोषण करना इससे हमने अभी तक मुक्त बात नहीं पाई है हम कहते समय तो कह रहे हैं कि या देवी सर्व शु स्थावरा चरा चर आप सर्व जगह में विद्यमान हो यानी नारी में भी आप विद्यमान हो इसको हम भूल चुके हैं और जगह जगह पे महिला महिला समूह है तो उसके आगे पीछे यह सबकी सब समस्याएं खड़ी है ऐसा दृश्य दिखाई देता है ये जो प्रैक्टिकल यानी कि प्रत्यक्ष जीवन के ये उदाहरण है जो अंक है वो हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन ये केवल प्रैक्टिकल में आने वाले विषय है ऐसा नहीं है ये समस्याएं केवल इस प्रकार की नहीं है कि ये संख्यात्मक पद्धति से सामने आ रही है लेकिन ये आह्वान अगर हम देखें, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार महिला सुरक्षा ये जो विषय है उसी प्रकार से महिलाओं के सामने दूसरा भी एक आयाम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वो यह है कि वो वैचारिक स्तर पर का आह्वान है एक व्यावहारिक स्तर का आह्वान है जिसका वर्णन कुछ मात्रा में मैं कर पाई हूं और दूसरा जो आह्वान हमारे सामने है दूसरे पद्धति का आयाम है आह्वान तो अनेक है लेकिन उसका दूसरा अगर चेहरा हम देखें, तो वह वैचारिक चेहरा है जो हमारे सामने आके खड़ा है और वो वैचारिक चेहरा ये बताता है कि ये जो महिला है इस पर एक तो सहमति का बिंदु बन ही जाता है कि जिस किस अवस्था में महिलाएं जीवन जी रही है अधिकांश महिलाओं के आगे पीछे जो भी कुछ समस्या है उसको उसको मुक्ति दिलाना है उसका सक्षमीकरण करना है उसको स्त्री पुरुष कम से कम समान लाइन तक तो लेकर आना है इस पर सबकी सहमति है लेकिन लेकर आते समय या उसकी सक्षमीकरण करते समय करे तो कैसा करे ये अपने आप में एक चैलेंज बनकर हमारे सामने आया है अनेक सारे भ्रम उत्पन्न किए जाते हैं और उस भ्रम के कारण नए नए चेंजेस का चेंजेस को चेंजेस के कारण चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है एक सबसे सबके लिए अगर कोई आकर्षक शब्दावली है वो यह है कि स्त्री पुरुष समानता मैं स्त्री पुरुष समानता के विरुद्ध होने का कोई कारण ही नहीं है लेकिन ये स्त्री पुरुष समानता ये शब्द ही अपने आप में बहुत भ्रम पकड़ने पाला है ये मैं अवश्य कहूंगी यह बड़ा आकर्षक शब्द है लेकिन मनुष्य जीवन स्त्री हो या पुरुष हो इनके सामने केवल समानता ये लक्ष्य रखे तो उसके कारण भी एक समरूपता ये उसकी प्रति व्याख्या या प्रतिशब्द बन जाता है या फिर महिलाओं की प्रगति कितनी तक हो कहाँ तक होनी चाहिए तो जितने पुरुष है उतनी संख्या उतनी उसकी बन गई तो हो गया सक्षमीकरण या हो गया उसका उन्नयन या हो गई उसकी उसका सबलीकरण या हो गया उसका सक्षमीकरण इस प्रकार की एक बात पूरे विश्व में है उसका प्रतिसाद या परिणाम भारत में भी दिखाई देता है वैसे दिखाई एक तरह से मुझे तो कभी कभी सोचे तो लगता है कि हम समानता के आधार पर ही महिलाओं का मूल्यमापन पुरुषों की तुलना में कब तक करते रहेंगे ये अपने आप में ही चैलेंज है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे की जो सोच है उसके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए भाष्य करना चाहिए ये जो विचारधारा है उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि उसकी ही श्रृंखला बनेगी एक है फेमिनिज्म थ्योरी है कम्युनिज्म थेरी है या ऐसी विभिन्न थियोरी है और पूरे विश्व में एक महिला संगठन भी काम करता है उसके अपने डूज एंड डोंट्स है उसकी अपनी मांगे है और उसके आधार पर सब भाष्य चलता है उसका आधार यानी प्रथम चरण है जिसका तो स्वागत करना चाहिए कम से कम पुरुषों तक तो उनको अः सब प्रकार का अवसर मिलना चाहिए यह तो ठीक ही है परंतु उस शब्द के कारण दूसरा भी प्रत्येक विषय भी उसी प्रकार से तोला मापा जा रहा है कि पुरुष है वैसा सब कुछ करने का अवसर महिलाओं को मिलना चाहिए तो फिर इसलिए थोड़ा सा देखना भी आवश्यक है जैसा मैंने कहा कि पीछे का विचार जो है जो आरंभ मैंने, मैं मैंने कहा था कि पूरे विश्व में केवल भारत में स्त्री तत्व का पूजन होता है संसार में अन्य कहीं पर भी नहीं होता उसका परिणाम यह हुआ कि जहां कहा जहां कहीं यह आंदोलन ने पहला रूप ले लिया जिसको फेमिनिज्म कहते हैं स्त्रियों ने एकत्र आकर विद्रोह करना शुरू किया तो उनके सामने पुरुष एक विरोधक के रूप में थे क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ में ये कहा था कि महिला की निर्मिति पुरुष के द्वारा हुई है उसके ही हड्डी से हुई है और जो फल खाने के लिए मनाई कर की थी गॉड ने वो फल उन्होंने चखा पहले बार उन्होंने चखा वो स्वयं प्रवृत्त हुई और उसके बाद उन्होंने पुरुष को भी प्रवृत्त किया पुरुष को भी पाप के लिए उन उद्युक्त करने के कारण वो प्रथम पापिणी है ऐसा आज भी शब्द रचना विद्यमान है उसका एक परिणाम हुआ कि धीरे धीरे महिलाओं के तरफ देखने का तब तक का जो प्राचीन दृष्टिकोण था जो देवी के रूप में महिला यानी की जीवंत महिला के तरफ भी देखने का जो दृष्टिकोण था मातृ रूपिण है निर्माण करती है यह जो दृष्टिकोण था सम्मान का जो दृष्टिकोण था वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया और गॉड जो है केवल ही में आ गया शी देवता यानी कि वो जो भी कोई देवता है गॉड जो है वो केवल ही है शी नहीं है यानी कि महिला कोई देवता के अप्रेषित भी नहीं बन सकती ऐसा एक विचार आया मूर्तियों को ध्वस्त किया गया और उसके परिणाम स्वरूप महिलाएं जब समझने लगी कि हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो अपने आप रिएक्शंस आने लगी तो बाइबल की निर्मित किसने की है तो पुरुषों ने रची है तो उसके खिलाफ वो आकर खड़ी हो गई और अपने आप एक अधिष्ठान ही ऐसा मिला जो कि विद्रोही अधिष्ठान था वो विद्रोही अधिष्ठान के कारण जैसा और जो अवसर पुरुषों को मिल रहा है वैसा और वही अवसर महिलाओं को मिलना चाहिए यह एक विचारधारा अपने आप सामने खड़ी सामने आ गई और उसने धीरे धीरे बड़े संघर्षमय इतिहास उनका रहा है अनेक सारी वेवज उस आंदोलन की दिखाई देती है लेकिन अंततः जो वो कहना चाहती है वो समानता तक आकर स्थिर होती है या या इस प्रकार से देखना ही स्त्री पुरुष भेदभावना से मुक्त होकर ही सब अवसर देना चाहिए ये ऊपर ऊपर से अच्छी लगने वाली बात उनका मुख्य एजेंडा रहता है तो ये सब जो चीजें हैं वो बाह्यतः अच्छी है अंतर्यामी अगर गए तो अपने आप पृथक करने वाली है एक दूसरे से के सामने खिलाफ खड़े होने वाली है विरोधक मानकर बहने वाली है और इसलिए ऐसा लगता है कि ये फेमिनिज्म हो या कम्युनिज्म हो या उनके अनेक सारे कलर्स हो ये भी एक वैचारिक आह्वान हमारे सामने है तो ये वैचारिक आह्वान से मुक्त होना ये भी आज हमारे सामने का चैलेंज है ऐसा मुझे लगता है तो जो देखने का दृष्टिकोण है तो इसका मैं और थोड़ा स्पष्टीकरण आपके सामने रखना चाहती हूं वो ऐसा है कि जहां कहीं समानता इस तत्व को स्वीकार कर दिया और वहां तक वो पहुंच भी गए हैं जिसको हम प्रगत देश बोलते हैं आजकल सामान्य लोग भी जैसे कि उसमें से मैं भी एक हूं तो विदेश में जाना सुपर हो गया है और जब महिला विषय का अभ्यास करते हैं तो दिखने वाला दृश्य अपने आप में कभी आकर्षित करता है और कभी चिंता बढ़ा देता है तो ऐसा ही एक समानता से भरा दृश्य मैं शायद गत वर्ष ग्रैंड कैनियन को गई थी मेरे परिवार के सभी हम गए थे तो वहां जाने के बाद ड्राइवर सीट पर एक महिला बैठी थी तो उसको देखकर मुझे अच्छा लगा अरे वाह इन्होंने तो सब जगह पे समानता इस तत्व को स्वीकारते हुए उसका पालन किया है एक दो मिनट हो गए तो बस में तो मैंने मैंने उसको देखा मेरे कतार से जहां कहीं सीट पर जाना था मैं जाकर बैठी और उसके कुछ दो चार लोग चढ़ने के बाद एक व्हील चेयर ड्राइवर स्वयं उठ गई उन्होंने एक व्हील चेयर लाई वो बस के द्वार तक गई एक बूढ़े गृहस्थ को उन्होंने उस पर बिठा दिया वो उसको अंदर लाने लगी ये भी दृश्य मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वृद्धों की वृद्धों के बारे में ठीक से व्यवहार हो रहा है ये सब देख रही थी प्रभावित हो रही थी लेकिन एक उसी में एक और एक दृश्य मैंने देखा कि उसके पीछे जो खड़े थे यानी कि व्हील लेकर वो आ रही थी उसके पीछे जो दो थे वो तो जवान थे उसके एक के हाथ में सिगरेट थी और दूसरे के हाथ में कुछ नहीं था मोबाइल था मैं ऐसा विचार करने लगी कि मैं पहले दृश्य से तो प्रभावित हो गई हूं कि एक महिला है वो ड्राइवर सीट पर बैठी है मुझे अच्छा लगा है लेकिन ये जो दूसरा चित्र है कि वो उठी है उन्होंने व्हील चेयर पकड़ी है उनके नियम कानून के आधार पर वो उसको लेकर आ रही है बस में चढ़ा रही है लेकिन जो पीछे दो युवक खड़े हैं वो ये सोच रहे या उनके दिमाग में भी यह विषय नहीं था कि मैं भी उठकर मदद करूं मेरे मुझे भी दो हाथ दिए हैं मैं भी व्हील को वो जो बड़ी लड़की काम कर रहे है उसको सहयोग दे सकता हूँ ऐसे ही बड़े विचित्र चित्र दो चार बार मैं गई हूं तो प्रत्येक समय मैंने इस प्रकार का अनुभव किया है कि मैं प्रभावित भी हुई हूँ और अवस्था में भी पहुंची हूं कि यह समानता का जो ऊपर ऊपर का दृश्य है उस पर काफी गहराई से चिंतन होना चाहिए क्योंकि वहां की समानता जो है उसकी स्थापना कानून के आधार पर हुई है हक प्रवण मानसिकता के आधार पर हुई है सहयोग और सहकार्य के आधार पर अगर वो बनती तो जगह जगह पे ये जो तुम्हारा काम है तुमने ही करना है मैं सहयोग दूंगा ही ऐसा नहीं है कानून अपना काम करेगा ये जो मानसिकता दिखाई देती है वो अपने या कि किसी भी समाज के लिए उपयुक्त है क्या इसके बारे में सोचना चाहिए भारत के दृष्टि से भी जब समानता का हम विचार करते हैं तो महिलाओं की जो आज की अवस्था है वो कम से कम वहां से बाहर निकलते हुए पुरुषों के बराबर होनी चाहिए इस मांग में कुछ खराबी नहीं है बस करने का ढंग कौन सा है किस प्रकार से हमें आगे जाना है यह अतीव चिंतनीय विषय है ऐसा लगता है इसलिए जब हम पूरे आह्वान की जब बात करते हैं चैलेंज की जब बात करते हैं तब आह्वान ये वैचारिक भी है और व्यावहारिक भी है ऐसा दिखाई देता है और तब जाके निराकरण का भी समानता के बाद भी कुछ प्रश्न सामने आ ही जाते हैं वो इसलिए आ जाते हैं कि समानता की स्थापना मनुष्य को सुखी संतोषजनक समाधान पूर्वक जीवन जीने का रास्ता देती है क्या हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए तो महिला संगठन सामान्यतः ये विचार करते हैं कि सामान्यतः उनका लक्ष्य स्त्री पुरुष समानता पर आकर ही स्थिर हो जाता है परंतु आवश्यकता इस विचार की ज्यादा है जो कि कुछ संगठन करते हैं यहाँ तक कि महिला समानता तक नहीं हम पूरे विश्व को सुखी बनाना चाहते हैं हम अपने भारत देश को सुखी करना चाहते हैं उसके अंतर्गत महिलाओं का जीवन परिपूर्ण होना चाहिए ऐसी आकांक्षा रखते हैं मैं जिस संगठन का काम करती हूँ वह है राष्ट्र सेविका समिति और उसने महिलाओं के सामने यह विषय रखा है कि हम सब नारी शक्ति एक परिपूर्ण सुशील सुधीर और समर्थ बनते हुए अपने देश को तेजस्वी बनाएंगे ऊंचा लक्ष्य देने के बाद महिलाओं के जीवन में कर्तव्य सम्मुखता बढ़ती है और आज का वातावरण तो ये कहता है कि सब जो भी कुछ महिलाओं की उन्नति करनी है वो हक के आधार पर करनी चाहिए वो कानून के आधार पर होनी चाहिए इस प्रकार की बातें चर्चा में आती है वो फैशन में भी है परंतु उसके कारण कभी भी किसी का भी जीवन परिपूर्ण जीवन नहीं बन सकता पुरुष जैसी स्त्री बनने के बाद स्त्री का जीवन परिपूर्ण होगा नहीं ऐसा नहीं है या समानता के लक्ष्य के बाद भी मनुष्य का जीवन परिपूर्ण का होगा ऐसा भी नहीं है तो सब समाज जब उन्नत तो होगा जब सह जब संपूर्ण समाज संतोष होगा समाज में संतोष होगा तभी हमारा जीवन सफल होगा ऐसा अनुभव हम सब करते हैं करते रहेंगे ऐसा एक वातावरण हमें तैयार करना पड़ेगा क्योंकि केवल समानता का दूसरा पहलू ये भी हो जाता है कि उसके कारण स्वतंत्रता अत्यंतिक स्वतंत्रता ये भी एक उससे ही निकला हुआ बिंदु आता है और जो प्रगत देश है वहां पारिवारिक जीवन में भी बड़ी असंतुष्ट स्थिति आ गई है घटस्फोट या विवाह विच्छेद का प्रमाण इतने ज्यादा ज्यादा प्रमाण में है कि पूछो मत नेदरलैंड जैसे देश में वो नाइंटी परसेंट है अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों में भी 50 से ज्यादा बढ़ा हुआ है उसमें भी पहले पांच वर्ष में विभक्त तो होने का प्रमाण और ज्यादा बढा है उसी देश में अल्पवयीन मातृत्व यह एक अपनी आप समस्या बनी है मेरे एक सहेली को मैं जो अमेरिका में है उसके साथ में चर्चा कर रही थी Uh, हमारे यहाँ विवाह की आयु बढ़ाने की जब चर्चा चल रही थी तब हमारे चर्चा में वो विषय आया था अभी तक अपने देश में कानून नहीं हुआ है नया होगा शायद परंतु उसके आधार पर जब हम चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने मुझे फटके से कहा कि 1800 हो 18 हो भारत में जो होना है वो होने दो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या छोटे आयु के मातृत्व को लेकर है हर स्कूल में एक छोटा सा यानी कि बच्चों को रखने के लिए एक झूला घर की निर्मित करना अनिवार्य हुआ है ये केवल स्त्री पुरुष समानता के कारण हुआ है ऐसा मैं नहीं कह रही हूं लेकिन जब समाज के सामने मुझे जीना क्यों है किसलिए आगे जाना है मेरी परिपूर्णता किस में यह जब पता नहीं होता है तब का जो चित्र है उसका वर्णन मैंने किया है तो इसलिए जो आज की समस्याएं हैं उसका उत्तर ढूंढते समय या उसको पर्याय देते समय कल कोई समस्या विकराल बनकर सामने न आए उसकी भी चिंता हमें करनी ही पड़ेगी और इस दृष्टि से जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं का उत्सव मना रहे हैं स्त्री तत्व का उत्सव मना रहे हैं तो ऐसे समय महिलाओं ने भी अपने ओर देखने का एक दृष्टिकोण निश्चित करना आवश्यक है और महिलाओं ने पुरुषों के तरफ देखने का दृष्टिकोण और पुरुषों ने स्त्रियों के तरफ देखने का दृष्टिकोण ये सब अपने आप में स्पष्ट होना पुनः पुनः स्मरण करना ये सब आवश्यकता मुझे अत्यंत महत्व की बात लगती है क्योंकि उस दृष्टिकोण को जब तक हम नहीं स्वीकारते हैं तब तक महिलाओं के सामने जो प्रश्न है वो भी हटेंगे नहीं और जो शायद नए प्रश्न निर्माण होंगे उससे भी हम दूर होकर अपना रास्ता ढूंढेंगे नहीं तो हमारे लिए अपने चिंतन के आधार पर जो भी कुछ आगे बढ़ने का रास्ता है वो ढूंढना पड़ेगा मिलेगा ही मिलेगा आज हम जो नवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं जो अन्य अन्य पद्धति से स्त्री रूप का वर्णन करते हैं बस उसका ही चिंतन स्त्रियों के लिए तो काफी है उसमें से जो मार्कंडेय पुराण है वहां एक श्लोक आता है छठवा श्लोक है वो श्लोक इस प्रकार का है यानी कि विद्या हर एक प्रकार की विद्या हे देवी हे शक्ति तुम्हारे से ही प्राप्त हुई है ये तो फिर शक्ति का वर्ण हो गया अगला चरण उसका ये कह रहा है कि स्त्रीय सकला जगत यानी कि ये जो स्त्रिया है यानी कि मैं विद्यमान जीवित मैं जैसी अनेक स्त्रिया जो भी कुछ है उसके अंदर तुम्हारा ही रूप है ऐसा हम प्राचीन काल से कह रहे हैं प्राचीन काल से कह रहे हैं, या देवी सर्वभूतेशु विद्या रूपेण संस्थित ये जैसा कह रहे हैं वैसे ही बात हम ये भी कह रहे हैं कि प्रत्येक स्त्री समस्ता सकला जगत सु जगत की प्रत्येक स्त्री में तुम ही तुम हो ऐसा हम कहते हैं इसका मतलब यह है कि उस पर चिंतन स्त्री और पुरुष ने दोनों ने करना आवश्यक है स्त्री को मूर्ति मूर्ति तो अलग हो सकती है लेकिन शक्ति हमसे अलग नहीं है शक्ति तो हमारे प्रत्येक में विद्यमान है उसके बिना हम क्रियावान नहीं होते हैं शिव है वहां शिवा, शिवा होती है रुद्र है वहां रुद्राणी होती है विष्णु है वहां लक्ष्मी होती है गणेश है वहां सरस्वती होती है या उल्टा भी कह सकते हैं लेकिन कभी कभी तो यह है कि शक्ति बहुत कुछ काम कर लेती है उसकी उतनी आवश्यकता पुरुष तत्व की होती भी नहीं है चलना है गतिमान करना है तो उसकी आवश्यकता है पंच महाभूतों को का मिक्सिंग भी करना है तो शक्ति की आवश्यकता है बस उस शक्ति तत्व को समझना ये आज की बड़ी आवश्यकता है तो स्त्रियों को यह भी समझना चाहिए कि मैं केवल माता वैसे ही बा, बायोलॉजिकल माता नहीं हूँ माता हूं का मतलब क्या है मैं एक प्रेरणा शक्ति हूँ मैं एक संस्कार शक्ति हूँ मैं जैसी मातृ रूपिणी हूँ वैसे मैं काली भी हो सकती हूँ मैं प्रेरणा देने वाली जैसी होती हूँ वैसे मैं प्राण देने वाली समर्पण करने वाली भी मैं हूँ इस प्रकार की भाव जितना सहस्र पद्धति से कल ही ललिता पूजन हुआ ललिता गौरी पूजन हुआ तो ललिताम्बा का भी सहस्र नाम है तो सहस्र पद्धति से वो व्यक्त होती है ऐसा वर्णन किया जाता है तो ऐसे वर्णन में जब हम वर्णन करते हैं तो ऐसा प्रत्येक रूप स्त्री का ही रूप है इस पर का विश्वास हमें बढ़ाना चाहिए और पुरुषों को भी आवश्यकता है कि जब हम मूर्ति रूपेण स्थित ऐसे देवता का हम आराधन करते हैं वैसे ही नारी रूपेण जो स्थित ऐसी जो देवता है उसकी भी आराधना करना चाहिए उसका भी सम्मान करना चाहिए स्त्रियों को अपने अंदर का जागरण करने की आवश्यकता है और पुरुषों को उसके उसको सम्मान देने की आवश्यकता है इस प्रकार की महिलाओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला अपने देश में है आज भी है पद्मश्री पद्म विभूषण जैसे पदक के पर भी थोड़ी सी अगर नजर डाल दी तो अनेक सारी महिलाएं जो आजकल व्हाट्सएप में भी हम देखते रहते हैं कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं निकली है कि जो जिन्होंने एक किमया करके दिखाई है तो ऐसी स्त्रियों भी अपने लिए प्रेरणा बन के खड़ी है अगर पुराण काल में देखे तो भी एक स्त्रियों की श्रृंखला मिलती है और ऐसे स्त्रियों से प्रेरणा लेकर मैं भी वैसी हूं ऐसा कमाल मैं भी दिखा सकती हूँ यह विश्वास आत्मबोध होना स्त्रियों के लिए आवश्यकता है और ये इस प्रकार के रूप से प्रकट हो सकती है इसके लिए अनुकूलता निर्माण करना सहकार्यता निर्माण करना ये पुरुषों की जरूरत है इसलिए तीन तत्व पर आधार पर विचार करते हुए मैं अपना ये भाषण खत्म करती हूँ तो हमारे ये जो हम सामने आह्वान है आह्वानों का वर्णन तो अनेक पद्धति से किया जा सकता है परंतु आगे जाने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए केवल तत्व की बात मैं कर रही हूं तो पहला तो विशिष्ट अधिष्ठान जो हमें आ, स्त्री रूप में प्रत्येक में तुम होती तुम हो तुम शक्ति हो इसी से प्राप्त होता है कि ये देवता है इसके ही दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में एक ही एक आत्म तत्व विद्यमान है दोनों ही एक ही परमेश्वर के दो भाग है उसमें एक देवी है एक देव है तो इस पद्धति से इस ही अधिष्ठान पर हम प्रगति का रास्ता जब ढूंढेंगे तो अधिष्ठान में एकात्मता सहजीवन या परस्पर पूरक जीवन व्यवहार उसके कारण एक नजीक का उद्देश्य हो सकता है कि वो समानता है परंतु सह जीवन हर जगह वो, वो द्वार का हो या चाहे वो अन्य कहीं जाने का हो अन्य पद प्राप्ति का हो ऐसे प्रत्येक जगह में सहकार्य की मानसिकता दोनों के अंदर निर्माण करने की आवश्यकता है मंत्र में सहना सहना भुनकतु कहने से कुछ लाभ कुछ लाभ नहीं होगा या पारंपरिक कर्म ही करते रहेंगे तो भी द्वार नहीं खुलने वाला प्रगति का तो पारंपरिक कर्म का भी सुनियोजित पद्धति से आधुनिक काल से जोड़कर व्यवस्थापन करना यह हमारे सामने की चुनौती का उत्तर हम सहकार्य के आधार पर सहजीवनी पद्धति से आगे जाकर वैसे तो प्राचीन एक शब्द है जो आज भी विद्यमान है वो है दंपति दोनों है उसी प्रकार से आगे जाना है संसार में दोनों मिलकर आगे जाए सहकार्यता से आगे जाए तो ही पंछी उड़ सकता है और ये जो बीच की अवस्था है वो सबसे चैलेंज भरी रहती है उसमें सहजीवन का ही उपयोग करते हुए अगर हम आगे जाते हैं तो हम सबके सामने लक्ष्य भी होना चाहिए तो हम सबके लार सामने का लक्ष्य समोन्नति यही हो सकता है दूसरे शब्द में जो प्राचीन काल से वेदों से हमें प्राप्त होता है वो है सर्वे भवंतु सुखी सर्वे संतु निरामया अगर सबको सुखी करना है ये लक्ष्य जब सामने रहेगा तो स्त्री के प्रति देखने के दृष्टिकोण में अंतर होगा स्त्री का अपने प्रति दृष्टि के दृष्टिकोण में अंतर होगा और अधिष्ठान में भी परमेश्वर के ये दो अंश है इस दृष्टिकोण अगर रखे तो हमारी ये जीवन यात्रा जो है सफल संपूर्ण होगी अंत में ये सब विश्वास दिनाने वाली जो मुझे विषय है है वो है आत्म सम्मान को लेकर तो मैं तो उसको ही प्रणाम करूंगी जो आदि माय है तो जो पूरे दुनिया में पूरे विश्व में जो आदि ग्रंथ के रूप में कहा जाता है वो है ऋग्वेद सभी ने स्वीकारा है तो उसके दशम मंडल में एक सौ पच्चीसवा सूक्त है उसमें वाघ्रूणी नामक एक स्त्री कहती है जो कि ऋषि का है वो देखती है वो कहती है और इतने आत्मविश्वास पूर्ण विचार अन्य किसी भी में, में धर्म ग्रंथ में किसी पर भी नहीं आएंगे ऐसा विश्वास आत्म सम्मान उन्होंने प्रकट किया है उन्होंने कहा है कि मैं मैं ही जगत जननी हूं मैं ही निर्माण करती हूँ मैं ही वायु बनकर गतिमान होती हूँ मैं ही भूमि हूँ मैं ही स्वर्ग नरक या पृथ्वी लोक उससे व्याप्त हूँ मेरे बिना किसी भी प्रकार का कार्य असंभव है ऐसे सृष्टि निर्माण करती मैं हूं सृष्टि को चलाने वाली मैं हूं और मेरे ही कारण नाश भी करना है तो भी होने वाला है इस प्रकार का विश्वास जो आत्म विश्वास से आत्म सम्मान से भरा हुआ सूक्त है तो भारतीय स्त्री हो या पुरुष हो इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है बस अंतर मन को जागे और प्रत्यक्ष रूप में हम जब उत्सव कर रहे हैं नवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं तो ऐसे समय में हम नारी शक्ति का पूजन करें शक्ति रूपिणी को अवनत या नीचे की अवस्था से उन्नत करने के प्रयास में स्त्री और पुरुष दोनों सहकार्य युक्त जीवन बनाकर आगे जाए अगर ये दृढ़ निश्चय के आधार पर करते हैं तो केवल एक वर्ष के अंदर भी बहुत सारा चित्र बदला हुआ दिखाई देगा प्रेरणा तो अपने पास बहुत जगह से मिलती है शक्ति रूपिणी माँ भगवती तो प्रेरिका बन बनकर हमारे सामने विद्यमान है बस हमें तो विश्वास जगाना है उस विश्वास को सुसंगठित करना है और आगे कदम रखना है एवरेस्ट बहुत छोटा है नमस्कार